हेलो दोस्तों, आई एम सचिन पाटले एंड यू वॉच एग्री टाइम। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्री टाइम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के टॉप 25 क्वेश्चंस जानेंगे जो कि एग्रीकल्चर के हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, करनाल, देहरादून या फिर हैदराबाद? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करनाल में स्थित है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान केंद्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रसार शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ अमेरिका द्वारा, इंग्लैंड द्वारा, भारत द्वारा या फिर जापान द्वारा? तो दोस्तों, 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका द्वारा प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक साधन से, अधिक अनुदान से, अधिक तकनीकी सहायता से या फिर अच्छे उत्पादन मूल्य से? तो दोस्तों, जो 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक तकनीकी सहायता से हमें टिकाऊ कृषि प्राप्त हो जाती है या टिकाऊ कृषि प्राप्त हम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धान में होता है तीन पुंग केसर, चार पुंग केसर, पांच पुंग केसर और छह पुंग केसर। तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुंग केसर। ठीक है, छह पुंग केसर होते हैं धान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, गेहूं एक है शिथिल पौधा, सिफर पौधा दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों, बताना चाहूँगा जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक या ए, सीथ्र पौधा होता है गेहूँ, सीथ्र प्लांट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित कहाँ है, जापान में, कोरिया में, चीन में या फिर भारत में? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित है, हाइब्रिड पैडी की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फ्रांस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित कहाँ है, जोधपुर में, भरतपुर में, हैदराबाद में या फिर कोलंबो में? तो दोस्तों, जो 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, बीज अंकुरण का परीक्षण किया जाता है ब्रोमाइड से, आयोडीन से, क्लोराइड से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का, जल के आधे मोल का भार होता है 0.5 ग्राम, 1.0 ग्राम, 9.0 ग्राम या फिर 18.0 ग्राम? तो दोस्तों, जल के आधे मोल का जो भार होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9.0 ग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस पौधे लेते हैं फास्फोरस को लाइट के रूप में, फास्फोरिक एसिड के रूप में, फास्फोरस सल्फाइड के रूप में या फिर फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में? तो दोस्तों, 35 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरिक एसिड के रूप में जो पौधे हैं वो फास्फोरस को ग्रहण करते हैं या लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का उद्भव देश कौन सा है इन ऑप्शन में से, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर चीन? तो दोस्तों, 36 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन सोयाबीन का उद्भव देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का, चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 32, 42 या फिर 62? तो दोस्तों, जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 42 होता है चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए,
गेहूं में हरित क्रांति का आधार ये श्रेय है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक उपयोग, एनपीके उर्वरकों का अधिक उपयोग, सिंचाई की अधिक उपलब्धता या फिर पौध सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक उपयोग गेहूं में हरित क्रांति का आधारित श्रेय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन देखिए, मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है यूरिक अम्ल, अमोनियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम कार्बोनेट या फिर एमाइड। तो दोस्तों 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है संतृप्त वसी अम्लों की कम मात्रा या फिर असंतृप्त वसी अम्लों की कम मात्रा, संतृप्त वसी अम्लों की अधिक मात्रा या असंतृप्त वसी अम्लों की अधिक मात्रा। तो दोस्तों जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, असंतृप्त वसी अम्लों की अधिक मात्रा के कारण जो सूरजमुखी तेल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए यूरिया में, म्यूरेट ऑफ पोटास में, डीएपी में या फिर गोबर की खाद में। तो दोस्तों 41 जो नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएपी में नहीं मिलाना चाहिए हमें जिंक सल्फेट को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए, सॉरी ये रिपीट हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ता किस रूप में पौधे द्वारा अवशोषित होता है, जिंक प्लस, जिंक डबल प्लस या फिर जिंक डबल प्लस। तो दोस्तों और यहाँ पे डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कहें या फिर सी कहें, दोनों में सेम दिया है और दोनों सही हैं। ठीक है, जिंक प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि पौधे इसी रूप में अवशोषित करते हैं जस्ता को या फिर जिंक को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, किस समूह का जीवाणु फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रिडियम या फिर राइजोबियम। तो दोस्तों 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्यूडोमोनास, जो कि जीवाणु फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, गन्ने की परिपक्वता का पता हाथ से चलाए जाने वाले रिफ्रेक्टोमीटर से किया जा सकता है, जब इस यंत्र की रीडिंग कितनी होगी, 10 से 15, 17 से 18 या 22 से 20 से 22 या फिर 22 से अधिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 44 नंबर का, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 से 18 अगर रीडिंग रहेगी रिफ्रेक्टोमीटर का, तो गन्ने की परिपक्वता का पता हाथ से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आहरण कहलाता है, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्प्रेरण या फिर जल अपघटन। तो दोस्तों 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण, जो कि इलेक्ट्रॉन का आहरण कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, आलू का प्रवर्धन किया जाता है ट्यूबर से, माइक्रो ट्यूबर से, सत्य बीज से या फिर उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आलू का जो प्रवर्धन है दोस्तों वो किया जाता है उपरोक्त सभी से। ठीक है, सभी से प्रवर्धन किया जा सकता है आलू का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है, फफूंदी द्वारा, काई द्वारा, केचुआ द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु के द्वारा अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं, मिश्रित फसल चक्र, रिले फसल चक्र, बहुफसली चक्र या फिर अंतः फसल चक्र, सॉरी पद्धति। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जो 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित फसल पद्धति कहलाता है, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जल जमाव वाले क्षेत्र में, निचली भूमि में या फिर उपयुक्त ऊपरी भूमि में। तो दोस्तों जो 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी भूमि में मोटे खाद्यान्न फसलों की खेती की जाती है।